आज इस वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट यूपी टेट में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का क्रमिक विकास या संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें पहली अवस्था है इंद्रिय जनित या कामक अवस्था। ये बालक में जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरी अवस्था है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अंतिम और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से और आगे तक चलती है। पहली अवस्था जो कि इंद्रियजनित गामक अवस्था है, इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक दूसरों के संपर्क में आने से और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक गिनती गिनना, अक्षरों को लिखना, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। तीसरी अवस्था है स्थूल मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, किंतु उसका तार्किक चिंतन मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। बालक 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता करना सीख जाता है। फोर्थ अवस्था है औपचारिक अमूर्त तार्किक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से आगे तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग भी हो जाता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास कर लेता है। ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।